Maulana Muhammad bin Nadim bin Wali Karma Ali Bani Sidi. Semua ini ke salat dan salam yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जो कुछ हमें मिला है आपकी निगाहों के सामने हमने उसको पेश करवाया। ये सरकार का कर्म ही है कि हम जो है इस काबिल हुए जो आपकी निगाहों के सामने हमने उसको पेश करवाया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तीन चार मुसव्वदात हमारे और भी मुकम्मल हो चुके हैं, हुज़ूर का फैज़ान करम जारी रहा। ऐसे ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो किताबें भी बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगी। हुज़ूर की बारगाह में शागिरदाना इल्तिमास है कि हम सब के लिए बिलखुसूस मेरे लिए और बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना अशरफुल हसन साहब अलैह के लिए दुआओं के मखसूस दुआओं में याद फरमाएं ताकि जो है ये दीनी काम तसनीफी काम आगे जो है बढ़ता रहे। ये आप ही के खानवादे का सब कुछ सदका है जो सारी दुनिया में जो है बट रहा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फैज़ान से होते हुए ये सादाते किराम जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जो है अपने फैज़ान जो है बिखेर रहे हैं और हम सब जो है उनके दर से उतर के जो है खुशाजी हैं, अपने दामन को भरने की कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि मालिक मौला इन हजरात के सत्र तुफेल में हम सब की जो है मगफरत फरमाए और दारैन की सआदतों से मुस्तफीज फरमाए। हुजूर की बारगाह में मुअद्दबाना और शागिरदाना इल्तिमास और दुआ गुजारिश है कि हमारे लिए मगफरत की दुआएं फरमा दें और इल्म व अमल की तौफीक की दुआ फरमा दें। बस मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ इसलिए कि और भी आगे प्रोग्राम हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम जो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। فرحم على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بن علي بن شيخ صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلاه وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم। मौजी सामईन इकराम हाजिर नाजिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साफ सीधी राह है राहे अली, जो चले इस राह पर होवे वली। फिर मौला मुस्तफ़ा जो लाए हैं खासगां सीना बसीना पाए हैं। मौजी सामईन इकराम पीर मुर्शिद सिबला का हुक्म है इसलिए आप लोगों के दरमियान में आयल आया हूँ, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है। मेरे बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला पीर मुर्शिद सिबला का जामे बयान होगा।
मैं सिर्फ इसलिए आप तमाम लोगों के सामने आया हूँ कि आज हम आप देख रहे हैं सारी दुनिया में मुसलमान खुसूसी तौर पर और इंसानियत उमूमी तौर पर बहुत परेशान, इसकी वजह है इंतशार। इंतशार में परेशानी है, इत्तेहाद में बरकत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, खुद होते रहने वाले, हम कुछ नहीं कर सकते। यहूद 71 फिरकों में बटी, नसारा 72 फिरकों में बटी, मेरी उम्मत 73। क्या कभी आपने सुना है, देखा है किसी न्यूज़ चैनल पे, टीवी चैनल पे कि यहूदी 71 फिरके आपस में लड़े? कहीं भी सुनने नहीं आता। ईसाई आपस में लड़े कहीं चैनल में आपने देखे, न्यूज़ पेपर में देखे? कि क्या वजह है कि मुसलमान आपस में लड़ रहा है? एक खुदा को, एक रसूल को, एक कुरान को मानने वाला, एक ईमान को मानने वाला आज आपस में दस्त गिरे रहा। चलो ठीक है, 73 फिर से तो एक बात हो गई, 72 फिर से तो नारी हैं, उसके हमको सवाल नहीं आता, उससे हमें कोई लेना देना। कि जो एक फिरका है नजाती, उसमें भी कितने फिरके बंदी हो गई, कहीं बरेलवी हैं, कहीं सुन्नी हैं, कोई किसी को गालियां देता है, कोई किसी के ऊपर फतवे लगाता है, होते हुआते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उसमें भी नहीं जाना है कि कौन किसको गालियां देता है, आप सबको मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने बैठे हैं वो एक पीर की मुरीदें हैं, है कि नहीं? लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जहाँ कहीं जाएं, मुरीद तो एक ही उठ सकते, एक ही आखा के गुलाम हैं, लेकिन वहाँ पर भी गिरोह बन गए हर जगह। सरकार के साथ फिरने का इत्तेफाक होता है, कहीं बेल्लारी में चले गए तो वहाँ भी ग्रुप, नहीं बोलना चाहिए मेरे को, अच्छा नहीं लगता। हैदराबाद में चले जाएं वहाँ ग्रुप है, बम्बई में चले जाएं वहाँ ग्रुप है, एक के घर पे मुर्शद गए तो वहाँ पर दूसरा ग्रुप नहीं आता, वो बाहर खड़ रहते हैं ले जाने के लिए, कि वहाँ से वहाँ ले जाते। इतनी ख़राब बात है ये, शर्म से हम लोगों को डूब कर लेगा उसका। एक बाप है हमारे, हम सब बेटे हैं उसके। अरे बाप भी ऐसा बाप नहीं है, अपनी सगी औलाद से ज्यादा हमको चाहने वाले, सगी औलाद से ज्यादा हमको चाहिए। ऐसे बाप के हम ना खल्फ औलाद, ना लायक औलाद। क्या प्रॉपर्टी में कुछ झगड़ा ही है हमारे, किसी का लेना देना नहीं है? ठीक है, वहां तो समझ जाती बात, कोई प्रॉपर्टी में कुछ मसला है, कुछ भी लेना देना, अनानियत। सरकारी द्वारा सरकार खुद फरमाते हैं कि खानखा में अपनी अखल की पोटली को बाहर रख के आना पड़ता है, अनानियत को बाहर रख के आना पड़ता है। यहाँ तो अनानियत बढ़ रही है, इतनी बड़ी हुई है। कहीं कहीं मेरे को इत्तेफाक पड़ता है देखने का, ये शाया, ये जुब्बा, ये दस्तार सब आदमी जूतों का सदका है कि उन्होंने हिदायत किया तो हमको समझ में आया क्या है, वरना हम कहाँ थे, हमको कहाँ लाया जाता। लेकिन मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि शाया, जुब्बा, दस्तार पहन के सरकार के बाजू बैठ के सरकार के सिर पे सवार होने की कोशिश की जाए। इतनी अफसोस है, जिनके झूठियों के सदक़े में जो तुमको मिला है, हमको मिला है, हम इनके झूठियों में बैठने के काबिल नहीं हैं।
तो शायद शर्मा पे इंतजाम से समझ जा रहे हैं कि हम भी उनके बराबर बैठ हम अपने आप को पहचाने, अपने नफ्स को पहचाने और हमारे बाप की शफ़क़त देखें कि वो बाप अपने करीब बुलाता है, करीब बिठाता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी जूती में बैठे। अगर मैं ये मेरे चमड़े की जूती बनाकर उनको पेश कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं, कि खुद ही करें कोई बड़ी बात। तो मेरी ये ख्वाहिश है ऐसे पुरफिकन दौर में, ऐसे माहौल में, अरे कम से कम एक बाप की वो औलाद पूरी एक हो जाए, सब लोग पीर भाई हैं, पीर भाई रहे, कहीं का भी मुंबई का भी हो, हैदराबाद का भी हो, कहीं हो, तो पीर भाई की नजर से गुरुबंदी गुरुबंदी की नजर से ना देखें। और पीर से बड़ा अपने आप को कभी ना सकती, बहुत कहना चाहता हूं लेकिन आवाज साफ की दे रही है। एक मुर्शद का मुरीद बहुत परेशान, खाने पीने को मोहताज, अपने मुर्शिद के पास आया, ताकि सरकार बहुत परेशानी है, सरकार ने कहा जा ठीक करा लिया, ठीक करा मिट्टी करा लेकर आ, लेकर आने पर सरकार ने इस पर एक लकीर मारी। पुराना जमाना था, एक रुपया उसको रोजाना मिलने लगा, बड़ा खुश हुआ कि चलो एक रुपया रोज मिल रहा है, एक रुपये में गुजर बसर रोजाना हो रही थी। दुनिया का जो लालच है, हिरसुल दुनिया अजाबुल मौत, मौत का अजाब है, दुनिया के कभी खत्म नहीं होने वाली, तो क्या कर रहा, तो क्या कर रहा, अपने दादा मुर्शिद को दादा पीर के पास गया, कहा कि सरकार ने एक लकीर मारी, कहा कि दादा ने कहा कि अच्छा इधर आओ, उस पर नुक्ता लगा दिया, सिफर लगा दिया। अब उस मुरीद को रोजाना 10 रुपये मिले, अब तो बहुत खाट बात बढ़ गए, ऐश हो गए। अब मैंने अभी कहा कि दुनिया की लालच कभी खत्म नहीं होती, तो वह दूसरे दादा पीर के पास गया, पर दादा पीर के पास गया कि सरकार ने एक लिखा, दादा पीर ने 0 लगाया, आप भी कुछ इनायत पाना, तो उन्होंने भी 1 0 लगाया। अब रोजाना 100 रुपये मिलने लगा, जो पुराना दौर था 1 रुपये में गुजर अवसर हो सकती थी, रोजाना 100 रुपये रोज मिल रहे। अब तो बड़ी आलिशान कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, बग्घी घर में घोड़े लिया वगैरह वगैरह, पीर के पास आता ही नहीं। पीर ने कहा कि भाई क्या बात है, वो मुरीद नहीं आता, आगे सरकार तो बहुत पैसे वाला हो गया, तो उसका आपकी ज़रूरत नहीं। अच्छा ऐसी बात है, आगे अच्छा सर मुरीद को बुला के तो लाओ। अब मुरीद को बुला के लाए तो बड़ा खुश हो, अरे हमें सिफर बढ़ाते क्या है, अब 100 रुपये मिलते थे, अब रोज़ाना 1000 रुपये मिलते क्या है कि मेरे को, क्योंकि मुर्शद के पास ठीकरा लेके आ गया। मुर्शद ने क्या करे, एक लकीर बिठा ली, अब रह गए सिफर, परेशान हो गया, रोने लगा, ऐसा ही हाल हमारा। हम सरकार की मोहब्बत को पहचानते हैं, ये समझते हैं कि ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं तो सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं है मोहब्बत दिखा दे, ये बहुत हमारी गलत फहमी है, नादानी है, जिसको मेरे को जितना न मालूम है, 35 साल से सरकार के साथ में हूँ, मेरे को मालूम है, मैं इसके से 90% लोगों को जानता हूँ ज़ाती तौर पर। इन 90% लोगों को जो भी मिला है सरकार की झूठियों का सदका है, कोई कह दे कि नहीं है, बोले तो जब सरकार की झूठियों का सदका आपको मिलता है, सरकार को किसी से मांगते नहीं, मैं भी नहीं कहूँगा कि कुछ दो लाके, नहीं कहूँगा, सिर्फ ये ख्याल रहे कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे सरकार का सदका, इनकी झूठियों का सदका।
बड़ी बात ना करें, बड़ी सोच ना सोचें। हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे दीन में चाहे दुनिया में, सरकार की कभी बराबरी में ना सोचें। अगर कोई खुदा ना खास्ता ये सोचेगा तो दुनिया में हालात और बर्बाद हो जाए। जैसे मैं कई लोगों को जानता जो इस में नहीं है, जो कि सरकार की बराबरी का दावा करते थे या सरकार से यानी कि बेअदबी किया करते थे, गुस्ताखाना अमल था। आज बहुत परेशान के आलम में यहाँ तक आ भी नहीं सकते। तो अभी से ये सोचें कि ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, चाहे सरकार बगदाद में, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, चाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सिर्फ सरकार की वजह से हुआ। और हमारा जरिया सरकार है, देने वाले उम्मीदें सरकार के सबसे तुफन में हमें मिलता है, ये हमेशा याद रखें। मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई चंदे की बात नहीं करूँगा। जब सरकार आयुष्मी रहमतुल्लाह मर्जी होगी, जब खान खान नहीं बनती उसकी कोई फिक्र नहीं, और तुम और हम बना भी नहीं सकते। हमारी ताकत नहीं है और हमारी ना उसमें तुम कोशिश कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक तौफीक ना मिले हम एक रुपया नहीं दे सकते। और अगर हमारा पैसा एक रुपया ईमानदारी का है तो बहुत काम की है, और हराम का पैसा है लाख रुपये में तो कोई काम करता है। तो ये बात याद रखिए कि सरकार जो दें तो ले लें, जिससे मना करें उससे रुक जाए। नहीं खान खा करने में नहीं लड़ते। अब एक एक सरकार के लफ्ज पर हमको गौर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने तफसील नहीं बोली, हमको समझना पड़ता है। हजरत माविया रजी अल्लाह तआला के ताल्लुक से मेरे दिल में कुछ बात आ गई। तारीख पढ़ी, पढ़ने के बाद में जो भी समझ में आया उससे मेरी गलत है। सरकार ने एक दफ़ा कहा कि भाई देखिए, हमको कोई कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो जाने अल्लाह जाने, क्योंकि सरकारें द्वार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी हैं, कातिबुल वही भी हैं, और सहाबी और रसूल भी हैं, हमको बुरा बोलने का हक। मैं समझ गया, समझ गया बाबा, अल्लाह हर एक को समझ नहीं समझ के। अगर पीछे देखिए आप जाकर तो सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने जिसको अपना जानशीन या खलीफा बनाया, किसी को बदल करने की, चेंज करने की, उनके खिलाफ में इसको चलने की इजाजत क्या है? जो लोग अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ गए, उमर इब्न खत्ताब के खिलाफ गए, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ गए, शिया ईमान से खारिज हो गए। अली मुर्तजा शरीफ खुदा के सामने घुलू थी, पहचाने नहीं। सरकार का मामला है, जिसे चाहे ना चाहे, खुल्लम खुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे हजरत अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खुला रखने का हुक्म दिया, इमामत करने का हुक्म दिया, खिड़की खुली रखी। कुछ लोगों ने अली की शान में तगीरू किया और काफी रखा। अली मुर्तजा शेर खुदा का कुछ नहीं बिगड़ा, हसन हुसैन का कुछ नहीं बिगड़ा, ना हमारा कुछ बिगड़ा। जो उल्लू किए ईमान से तो हमें ऐसी बातों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। जो होगा अल्लाह की मर्जी से, हमारी मर्जी कहीं नहीं चलने वाली, ना मेरी ना मर्जी चलने वाली, मौत वो जिसे चाहे अदा करे।
ہمارا کوئی اعتراض کرنے کا بالکل موقع نہیں. اگر جو اعتراض کرے گا قرآن درگاہ ہوگا ایمان سے پائے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ جو سرکار دے وہ ہم لے لیں, جس سے منع کر دیں اس سے بعد آ جائے گا. اب میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہ لیتے ہوئے پھر مشرف اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے سبھی مصافات سے ہم تمام غلامین کو نواز کریں.
तो अल्लाह ताला ने क्या कहा तुम नहीं जानते हुए छोड़ते नहीं। बिरादरान अजीज, अल्लाह ने हमको अपना जानशीन नायब खलीफा क्यों बनाया कि मेरा बंदा, मेरा खलीफा, मेरा जानशीन दुनिया में जाने के बाद मुझको पहचानेगा, मेरी मारिफत हासिल करेगा, मेरे दीदार से मुस्तफिज होकर फिर इबादत करेगा। चीज दुनिया अब खुदा गाफिल बुदन न खुमाशो न खराओ फर्जंदुजन। हेलो हेलो, तो लिहाजा बिरादरान अजीज, इल्म जाहिर हमचो मस्का, इल्म बातिन हमचो शीर, के बूद बशीर मस्का के बूद बाकी। जैसा बगैर मुश्किल बगैर दूध के दही बनना नामुमकिन आदमी से, हम इल्म जाहिर हमचो मस्का, मस्का किससे निकलता है दूध से, वैसा इल्म जाहिर हम क्या, इल्म जाहिर हमचो मस्का, इल्म बातिन हमचो शीर, के बूद बशीर मस्का के बूद बाकी। लिहाजा अब क्योंकि मेरे को ज्यादा वक्त लेना नहीं है, जहांगीर को तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह ताला मेरे तो रोज बयानात का सिलसिला जारी है। आज आपको यह सबक दिया जा रहा है, खान खान में जाना है खुद को खोने के लिए, हक को पाने के लिए जाना है, अल्लाह की दीद के लिए जाना है, तो अल्लाह की दीद खान खान में कराई जाएगी, खुद शनासी से खुदा शनासी की तालीम खान खान में दी जाएगी। जब बंदा अपने आप को पहचानता है, मन आरफा नफ्सहु, बाद में फखद आरफा, खानखा की तालीम खुद शनासी से खुदा शनासी की है, तो पहले क्या करे, हमातन अपने यार की दीद में मस्त हो जाए। पहला है फनाफी शेख, फिर है फनाफी रसूल, फिर फनाफी अल्लाह, फिर बखाफी। तो पहला सबक हमने अल्लाह को देखे नहीं, रसूल को देखे नहीं, नई दिखी हुई चीज से मोहब्बत पैदा नहीं होती, क्योंकि खानखा के अंदर सिर्फ इश्क के बल मौके पे जाना है। तुम समझिएगा मैं मुफ्ती आजम हूँ, मैं मुहद से आजम हूँ, मुफ्त के आजम हूँ, और मौलाना जलाल रूमी ने कहा, जुबा दस्तार इल्म खील खाल जुमला दर आवे रवा अंदाज कम, तेज बहते हुए पानी में तेरा जुबा आया, इल्म खील खाल सब डाल दे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, तुम बोले तो मैं सैयद ज्यादा हूँ, मैं बुजुर्ग ज्यादा हूँ, मैं खाजा ज्यादा हूँ, खानखा में वो भी नहीं चलता। बंदा इश्क सुधी करके नसब कुन जानी के दरी राह फला इतने फला चीज नहीं, तो किसके बलबोते पर जाना है, इश्क के बलबोते पर जाना है। इसलिए अल्लामा इकबाल भी बोले, बंदा है तकमीन होगन इल्म किताबी ना बन, इल्म सरापा ही जा इश्क सरापा हुजू, क्योंकि अखल को तनखीज से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद पर अखलाई यार है सौ भेद बदलने की है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न गायब। मौलम उम्मीद शब्दों पर कहीं आतिशे आज इश्क दर्जा बर करो, सर बसर फिक्रो इबादत राब असोस, मिलते इश्क अज हमा दिया जुदास, आशिकारा मजहबो मिलत खुदास। तो लिहाजा हम कई तालीमत का सिलसिला चलते रहेगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मामला था, तस्करा आपको यही बताया गया, यूपी से उमा किराम का सिलसिला है, अल्लाह ताला उनकी जजा का फरमाए, फिर खुद शत्रुला अंधेरी से हैदराबाद से बम्बई से आए, फिर वो शत्रुला बीदर से आए, गरीब नवाज बाजा ये भी बात करना है, तो मुख्तलिफ मुकाम से खुद यानी उत्तर से सिलसिला है, जो हमारे सरखों के ताज हैं, हमारे शुरू के, जब तक अपने शेख पे कमाल करते शत्रुबान नहीं होंगे, तो बात हमारे रसूल तकमील नहीं होगा।
तो हनाफी शेख से इतना कमाल हासिल होगा वैसा ही इश्क रसूल फिर बाद में हनाफिल्ला फखर लिहाजा दूरदार गिरदार तजीज को खुद के नादीदा हर सू मेरी आंखों में छुपा था मुझे मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनद वही खुद पर्दा हुआ था मुझे मालूम बाद में कर्ज हुआ वसल खुदा राज वतन वासिल हक में सता था मुझे मालूम अगले को शौक हुआ दरिया को पहचानने का गुरुब को शौक हुआ शहीद को पहचानने का बर्फ को शौक हुआ पानी को पहचानने का बंदे को शौक हुआ अल्लाह को जब तक खतरा अपने आप को नहीं पहचानता दरिया को नहीं पहचान जब तक गुरुब अपने आप को नहीं पहचानता शहीद को नहीं पहचान सकता जब तक बर्फ अपने आप को नहीं पहचानता पानी को नहीं पहचान सकता जब तक बंदे अपने आप को नहीं पहचानता अल्लाह को नहीं पहचान सकता लिहाजा हमारे बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करो एक साथ है सोहबत बाउलिया बेहतर आज सद साल अतात सद साल खिलवत हो गया एक लम्हा बुजुर्गों की सोहबत सौ साल खिलवत में बैठने से अफजल सौ साल देरिया इबादत करने से अफजल नजर का मिला हुआ बहाना हमारी दुनिया बदल कुछ ना भी करे बुजुर्गों की निस्बत काम आती उसे आजम मस्जिद ने कहा मेरा मुरीद कभी बेतौबा नहीं मर सकता मेरा मुरीद कभी बेईमान नहीं मर सकता अल्लाह ने कयामत तक मेरे मुरीदीन की फेरिस अता की उनको मेरे बाइस पसंद सुभान अल्लाह नवाज एक मर्तबा मैं भी इबादत थे कालतुल्लाह में इल्हाम हुआ आए मोइन हमने तुझको पसंद गरीब नवाज समझे कहा क्या पूरी दिन जो ख्यामत तक आने वाले हैं अल्लाह ने बचा तेरे पास सबको बचा नाम भी हो गया सिलसिला चिश्तिया बेहस्तिया चिश्त में दाखिल हो जाओ बेहस्त में दाखिल हो जाओ हमको तो क्या है बुजुर्गों की नींद बचे सब आए अच्छे हैं मेरे सब चार छू यहाँ बैठे हजरत से नियामत है गरीब नवाज से नियामत है इधर सरकार से नियामत है और अल्लाह ताला ने काफी बुजुर्गों की नियामतें आता की हर सिलसिला तुम्हारे पास है हर सिलसिले की खुशखबरी आप पाओगे एक यूनिवर्सिटी के करोड़ कॉलेज खुले करोड़ कॉलेज के नाम अलग अलग होने से यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं बदलती यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं बदलता ये खादरी चिश्ती नक्शबंदी कॉलेजेस के नाम सबका एक ही है सबका एक ही मकसद वो है मन आरफा लिखो फखर आरफा लिहाजा पहला सबक चलते फिरते उसको देख उठते बैठते उसको देख देखता देखता ऐसा देख कि देखता दिखता हुए एक ना जिक्र खुदा ना जिक्र खुदी ना गैर ना अपनी याद रही एक दीद नशी की दीद वतन मिस्तर है जमाई नहीं लिहाजा तस्वुर शेख अपने आप को शेख समझ के तस्वुर करते रहे जिधर देखे शेख का ख्याल करे अल्लाह अल्लाह जिक्र को वारद करे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह आपको अल्लाह का खुद और मार्फत से आशनाई होगी अल्लाह की दीद में से तो क्योंकि अब असल मकसद है आज का कॉन्फ्रेंस सूफी कॉन्फ्रेंस के बारे में दो तीन दिन से चल रही आज खाली इतनी बात याद रखी है सबका पहला सबक है फना फिस शायद जिसको देखा है उसी की दीद में मस्त ऐसा देख कि बुजुर्गों की तालीमात तो ऐसी है कि तू ही का मामला ही खत्म लिहाजा तालीमात का मामला तो हर वक्त बयान करूंगा जहांगीर भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने समा का आगाज करे इंशाअल्लाह ताला कल सुबह में भी बयान होगा कल शाम में भी बयान होगा तालीमात का सिलसिला चलता रहेगा मैं दुआ करता हूँ मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंदा हम तमाम इनको कबूल फरमाए बुजुर्गों के नक्श कदम पे चलेगा रबना तफरबत मुन्ना फातिहा सरकार द्वारा सरकार का नसीब आज के सीरना गाजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह